नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो GTA सर्विस को लेके जो नए अपडेट हुए हैं, जो कि 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हो चुके हैं, क्या कुछ नया आया है GTA की सर्विस के अंदर, और उस GTA सर्विस के अंदर जो नई अपडेशन हुई है, उस अपडेशन की एंट्री को हम हमारे टैली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करेंगे। अगर हमने जो सर्विस किसी रजिस्टर्ड GTA कंपनी से ली है, यानी कि किसी रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी से अगर हमने सर्विस ली है, अगर हमारे को फॉरवर्ड टैक्स लग के आया हुआ है, तो इसकी एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। अगर हमने किसी अनरजिस्टर्ड GTA से सर्विस ली है और उसके ऊपर हमारी RCM टैक्स डिपॉजिट करवाने की लायबिलिटी बनती है, तो इस प्रकार के इनवॉइस की एंट्री को हम टैली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करेंगे, और क्या कुछ नया चेंजिंग हुआ है, फॉरवर्ड टैक्स क्या चीज़ है, RCM टैक्स क्या चीज़ है, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करने वाले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे भी जो हमारा RCM यानी कि जो हमारा रिवर्स चार्ज है, उसका इफेक्ट हमारा GSTR 3B के ऊपर कहाँ पड़ता है, किस तरीके से हम लाइबिलिटी को क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद में किस तरीके से सेम उसी टैक्स के लिए हम ITC के लिए एलिजिबल होंगे, दोनों की मतलब जो हमारा टैक्स की लायबिलिटी है वो हमारा एंट्री किस प्रकार से क्रिएट होगा, और ITC के अंदर हमें उसको किस प्रकार से बुक करेंगे, सारी बातें आपके साथ इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल तरीके से शेयर करने वाला हूँ। और टैली सॉफ्टवेयर में हमें कौन कौन से लेज़र क्रिएट करने हैं, कौन कौन से ऑप्शन को हमें इनेबल करना होगा, सारी बातें आपके सामने लाइव और प्रैक्टिकल रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा, तभी आप सारी बातें प्रैक्टिकल तरीके से समझ पाओगे। अगर वीडियो को आपने बीच में स्किप कर दिया तो बहुत सारा आप कुछ मिस कर दोगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, ताकि आपको इस चैनल पर इसी टाइप की अकाउंटिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट वीडियो मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की हम। तो दोस्तों, वैसे तो हम RCM की एंट्री आज तक करते ही आए हैं, लेकिन अब चेंज क्या हुआ है, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो दोस्तों, अभी तक होता क्या था, अभी अगर मान लीजिए अगर किसी हमने अनरजिस्टर्ड GTA से कोई सर्विस हमने ली है, यानी कि किसी ट्रांसपोर्टेशन का यूज हमने किया है हमारे बिजनेस के लिए, कोई भी सामान मंगाने के लिए, तो अभी तक कंडीशन क्या थी कि अगर मान लीजिए उसका सिंगल इनवॉइस बनता है 750 रुपये का बनता था, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी RCM टैक्स कराने की जो लायबिलिटी है वो बनती नहीं थी। और दूसरा ये था कि अगर हमने उसी सेम ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर 2 या 3 कंपनियों का माल था, अलग अलग दुकान का सामान हम ये कह सकते हैं, और उस दौरान अगर हमारा रेंट बनता था 1500 रुपये, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी RCM टैक्स डिपॉजिट करवाने की लायबिलिटी नहीं बनती थी। लेकिन अब इस चीज़ को ट्रेस करे कौन, भी आपका सिंगल जो यूज आपने जो ट्रांसपोर्ट यूज़ किया उसका 750 रुपये किराया है, या आपने कोई मल्टी का यूज़ किया और उसके किराया आपका 1500 रुपये है, तो आपका RCM का नहीं बनता लायबिलिटी। तो इस स्थिति के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, नए सेक्शन के अंदर इसको अमेंडमेंट करते हुए इस पर काटा मार दिया, यानी कि अभी तक आपकी जो एग्जेम्पशन की जो लिमिट थी 750 रुपये की और 1500 रुपये की, वो ख़त्म हो चुकी है। पहला अपडेशन तो ये इसके अंदर आया है, जो कि 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हो चुका है। और दूसरा, अब GTA के लिए आपके पास, अब GTA के लिए भी कुछ कंडीशन है, उसको भी कुछ शर्त के अंदर रखा गया है। पहला शर्त भी जो अभी तक हमारे पास था, अभी अगर हमने किसी अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी का यूज किया गुड्स को मंगाने के लिए, तो हमारी लायबिलिटी बनती थी, हम उसके ऊपर 5% का GST जो डिपॉजिट करवाना पड़ता था हमारी पॉकेट से। और सेकंड भी अगर कोई ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड है, यानी कि उसने GST नंबर ले रखा है और वो रजिस्टर्ड है, अगर वो GTA यानी कि वो ट्रांसपोर्ट कंपनी किसी भी रिसिपिएंट को, मान लीजिए हमने किसी कंपनी का यूज किया, हमने बाहर से कोई प्रोडक्ट हमने मंगाना है और हमने ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी का यूज किया है, ये रजिस्टर्ड डीलर है, अगर वो रजिस्टर्ड डीलर जो उसका किराया भाड़ा बनता है, उस किराया भाड़े के ऊपर अगर वो 12% का फॉरवर्ड टैक्स लगा देता है, तो इस स्थिति के अंदर अब हमारी लायबिलिटी नहीं बनती है कि हम इसको RCM का टैक्स है जो जमा करवाएं। अब हमें RCM इस कंडीशन में जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो GTA यानी कि वो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इनवॉइस के ऊपर 12% का टैक्स है जो चार्ज कर लिया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, हमने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है। अब
कंडीशन ये आती है, अभी अब ट्रांसपोर्ट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो नॉर्मल टैक्स पे चार्ज करे, यानी कि नॉर्मल का मतलब या तो वो 5% टैक्स चार्ज करेगा या फिर 12% करेगा। अब मान लीजिए इस ये ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इसको भी इनपुट सर्विस का क्लेम चाहिए, ITC इसको चाहिए, तो अगर ये 12% चार्ज करेगा रिसिपिएंट से तो उस कंडीशन के अंदर इसको ITC मिलेगा। अदरवाइज ये अगर 5% टैक्स चार्ज करता है इनवॉइस पे रिसिपिएंट से, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये तो 5% चार्ज हो ही रहा है, उसके बाद के अंदर जो रिसिपिएंट है यानी कि जिसने सर्विस ली है उसके ऊपर भी 5% का RCM टैक्स डिपॉजिट करवाने की लाइबिलिटी है जो बन जाएगी। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं हमारे ऊपर 10% टैक्स का भार पड़ने वाला है। किस कंडीशन के अंदर? अगर GTA रजिस्टर्ड है और उसने 12% की जगह 2.5% यानी कि 5% टोटल टैक्स है जो चार्ज किया है, तो 5% हमने ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट वाले को दे दिया और 5% RCM के रूप के अंदर गवर्नमेंट को भी दे दिया, तो कुछ इस तरीके से हमारा 10% का कुछ भार बन जाता है। अगर ट्रांसपोर्ट खुद रजिस्टर्ड है और इसको ITC इसको भी चाहिए तो ये 12% चार्ज करेगा। अगर 12% चार्ज करता है तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ भी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपके सामने क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं भी अगर हमने अनरजिस्टर्ड की एंट्री को है वो टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करनी है और जो रजिस्टर्ड की है उसकी एंट्री को हम किस तरीके से पास करेंगे। अब RCM की एंट्री को पास करने से होता क्या है, इसका इफेक्ट सीधा सीधा हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो हमारा टैक्सेशन है GSTR और GST के अंदर जो GSTR हमारी 3B रिटर्न है उसके अंदर पड़ता है। यानी कि एक बार टैक्स हमें जो टैक्स की हमारी लाइबिलिटी है वो हमें बढ़ानी होती है और उसके बाद उसका ITC क्लेम हमें मिल जाता है, तो एक बार पैसा हमें गवर्नमेंट को इसका कैश लेज़र के थ्रू डिपॉजिट करवाना होता है। अब बात करते हैं हम इसकी एंट्री को। तो दोस्तों अगर आप टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हो तो उसके लिए आपको कुछ ऑप्शन को इनेबल करना होगा। अब कौन सा ऑप्शन आपको इनेबल करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले F11 प्रेस करना है। और दोस्तों ये जो टैक्स का डिपार्टमेंट है RCM का, ये एक तरीके का GST का डिपार्टमेंट है। अब GST डिपार्टमेंट के अंदर आपको करना हो क्या, टैक्सेशन के अंदर आपको ये GST का ऑप्शन आपके पास यस होगा और इस ऑप्शन को यस करके आपको एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करते हुए आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना होगा। कौन सा? इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। अगर ये आपके पास नो है तो इसको आपको यस करना है। ये किस कंडीशन के अंदर यस करना होता है, वी परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, अगर आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई सर्विस ली है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको रिवर्स चार्ज जो डिपॉजिट करवाने की लायबिलिटी बनती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको इस ऑप्शन को यस रखना होगा। देन हम इस विंडो को करते हैं कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट और इसको भी करेंगे कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट। अब उसके बाद हमें कुछ लेज़र क्रिएट करने होंगे। सबसे पहला लेज़र जो हमारा ट्रांसपोर्ट के नाम से जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में जो लेज़र है उसको क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे क्रिएट पे, लेज़र पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम जो हमारा फ्रेट का लेज़र के नाम से आप क्रिएट कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन के नाम एक्सपेंसेस के नाम से आप क्रिएट कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे, जैसा कि मैं कर देता हूँ फ्रेट एक्सपेंसेस। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं फ्रेट एक्सपेंसेस का एक लेज़र मैंने क्रिएट यहाँ पर कर दिया और इसको मैं रखूँगा यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हुए मैं इसको रखूँगा GST को तो एप्लीकेबल रखूँगा क्योंकि इसके ऊपर RCM लगेगा। उसके बाद में सेट GST डिटेल को मैं करूँगा यस, और यस करने के बाद आपको ये बात ध्यान में रखनी है इसका HSN कोड, जिस याद तो मैंने ये चीज़ लिख दिया फ्रेट RCM, और इसका जो HSN कोड है वो आपको यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना होगा। देन उसके बाद में नॉन GST गुड्स इसको आपको नो ही रखना है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको एक बारी नोट एप्लीकेबल कर देना है। देन उसके बाद में ये टैक्स एबिलिटी के अंदर आपको करना है टैक्सेबल, और उसके बाद में ये ऑप्शन आपके पास आएगा इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है, ये ध्यान में रखना है आपको। अगर आपने इसको यस नहीं किया तो टैक्स जो RCM नहीं बनेगा, और उसके बाद में जो आपको आपके ऊपर RCM टैक्स डिपॉजिट करवाने की जो लायबिलिटी वो 5% की है, तो हम इसको 5% रखते हुए, और जो टाइप ऑफ सप्लाई है इसको आपको यहाँ से गुड्स के बजाय रखना होगा सर्विस के अंदर, और TDS हमारा नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरीके से हमने एक्सपेंसेस का लेज़र क्रिएट कर दिया। अब हमें एक लेज़र और क्रिएट करना होगा RCM रिवर्स टैक्स का, तो हम एक लेज़र क्रिएट कर लेते हैं RCM SGST टैक्स का, और ये अंडर में रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और ड्यूटी एंड टैक्स में रखते हैं हम टाइप ऑफ ड्यूटी को सिलेक्ट करेंगे GST को, और GST के अंदर हम रखेंगे यहाँ पे
स्टेट टैक्स, क्योंकि हमारा SGST टैक्स है ये, तो स्टेट टैक्स रहेगा। और TDS एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करेंगे। और उसके बाद में एक हमारा रहेगा RCM CGST टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे जाएंगे, GST को सिलेक्ट करेंगे, देन हम सेंटर को सिलेक्ट करेंगे और नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में अब हमें उन दोनों ट्रांसपोर्ट के भी लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जो हमारा एक अनरजिस्टर्ड है और एक है रजिस्टर्ड है। जो अनरजिस्टर्ड हुआ है श्री ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो इसका लेज़र भी हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, ट्रांसपोर्ट कंपनी, और इसको हम रखेंगे अंडर सैलरी क्रेडिटर में। और उसके बाद के अंदर TDS इसके नो है, और ये हमारा अनरजिस्टर्ड डीलर है, उसको हम अनरजिस्टर्ड करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा है और वो है रजिस्टर्ड डीलर, वो है ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो यहाँ पर ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी, और इसको हम एक बार हिंट के लिए रख देते हैं, भी रजिस्टर्ड पार्टी है, ये भी सेंट्री क्रेडिटर में रहेगा, और ये रजिस्टर्ड है, तो इसको हम रखेंगे रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर रेगुलर में। और इसको हम रेगुलर में रखेंगे, तो यहाँ पर इसका GST नंबर हमें देना पड़ेगा, वो हम दे देते हैं यहाँ पे, और एंटर प्रेस करते हुए इस विंडो को भी करेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों, अगर हम इस सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप की एंट्री करें, उससे पहले जो ऑलरेडी हमारे पास SGST और टैक्स की और CGST टैक्स की जो अमाउंट आ रही है, उसको हम जरूर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो किस तरीके से वेरीफाई कर लेंगे, एक बार हम हमारा GST रिपोर्ट पे जाके और GSTR 3B को ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे हम ओपन करेंगे तो आप देख रहे हो हमारे पास जो टैक्स की लाइबिलिटी बनती है वो है 26,420 रुपये और 76 पैसे की, क्योंकि ये हमारा सेल का टैक्स है, दोनों टैक्स मिला के जो हम ऑलरेडी यहाँ पर नोट कर रखा है। तो इसको हम यहाँ से एक बार लिख लेते हैं, ताकि हमें बाद में सही तरीके से पता चले CGST के रूप में जो हमारा टैक्स की अमाउंट है वो है 13,210 रुपये और 38 पैसे, और ये हमारा 13,210 रुपये 38 पैसे CGST का और SGST का। अगर हम बात करें इनपुट टैक्स की, तो अब ये हम नोट किस लिए करें, ताकि हमें एंट्री करने के बाद प्रॉपर सही तरीके से पता चल जाए। जो हमारा इनपुट है वो है एक साइड का 6,391 रुपये और 30 पैसे, तो यानी कि 6,391 रुपये और 30 पैसे, 6,391 रुपये 30 पैसे। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, भी हमारा जो आउटपुट है वो ज़्यादा है, इनपुट हमारा कम है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या होगा, ये हमारी टैक्स डिपॉजिट करवाने की लाइबिलिटी बन चुकी है यहाँ पर 6,819 रुपये 8 पैसे और 6,819 रुपये 8 पैसे CGST का और SGST का। अब ऐसी स्थिति के अंदर हम इसका देखना चाहें भी टोटल बैलेंस शीट में हमारी लाइबिलिटी कितनी बनती है, तो बैलेंस शीट पर हम जाएंगे, Alt F1 हम करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पर जाएंगे, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो SGST और CGST का टैक्स है, और यहाँ पर भी 6,819 रुपये 8 पैसे और 6,819 रुपये 8 पैसे। अब ये टैक्स कौन सा आ रहा हमारा, जो हमारा गुड्स के ऊपर केवल परचेज और सेल पे था। अब इसके अंदर किसी भी टाइप का अभी तक वो RCM की एंट्री इंक्लूड नहीं है, RCM की एंट्री अब आपके सामने हम करेंगे, तो ये खाली सेल और परचेज का जो डिफरेंस है इनपुट आउटपुट का वही है। अब हम करते हैं भी हमें जो अनरजिस्टर्ड से जो हमने जो सप्लाई ली है, सर्विस ली है, उसकी एंट्री को करना है, यानी कि ये पार्टी है और इसने हमारे से 25,000 रुपये का किराया भाड़ा लिया है, तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, वाउचर पे हम जाएंगे और हम परचेज वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। और परचेज वाउचर के अंदर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मोड आपको रखना होगा अकाउंटिंग इनवॉइस का, अगर आपके पास आइटम इनवॉइस है या AJ वाउचर है तो आप उसको रखोगे अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर, अकाउंटिंग इनवॉइस को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इसका जो इनवॉइस नंबर है वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, जैसा कि 5651 है, तो 5651। और अब हम यहाँ पे उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे जो हमारी अनरजिस्टर्ड है श्री ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से, और यहाँ पर पर्टिकुलर में हम सिलेक्ट करेंगे जो हमने फ्रेट चार्ज के नाम से एक लेज़र क्रिएट किया था, और इसकी जो इंटर अमाउंट आपको यहाँ पे प्रेस करनी है वो करनी है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये की वैल्यू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनवॉइस के अंदर 25,000 रुपये का ही किराया भाड़ा हमारे को लग के आया हुआ है, और 25,000 रुपये सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ये बिल्कुल परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर रहेगा, और उसके बाद अब यहाँ पर आपको कोई CGST या SGST लगाने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको ये टैक्स यहाँ पर देखना हो भी हमारा टैक्स की लाइबिलिटी वो बन गई है या नहीं बन गई, तो उससे पहले दोस्तों एक बार मैं इस एंट्री को पास करूँ, उससे पहले आपको मैं एक बार हमारी 3B की रिपोर्ट और दिखा देता हूँ ताकि हमारा सारा डाउट है जो क्लियर हो जाए। 3B पे हम जाएंगे और पूरा डाटा मैं ओपन कर लेता हूँ एल्ट F1 के साथ। तो अभी देख रहे हो हमारा जो RCM का जो हमारा आउटपुट का जो रिकॉर्ड है वो हमें कहाँ दिखाई देगा, 3.1 के इस D कॉलम में, इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज। तो अभी यहाँ पर देख रहे हो भी किसी टाइप की रिवर्स चार्ज की एंट्री नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये आता कहाँ पे, जैसे ये आप ये 3B देख सकते हो जिसमें डाटा फिलअप है, और इस फिलअप के अंदर डाटा का आप देख सकते हो, तो ये हमारी टैक्सेबल अमाउंट होती है और ये हमारी एग्जम्प्ट यानी कि नील रेटेड या फिर एग्जम्प्ट है वो आ रही, और यहाँ पर ये अमाउंट आती है हमारी D कॉलम में इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज। तो ये हमें इस D कॉलम के अंदर वो अमाउंट लेके आनी होगी, इसीलिए हम उसकी परचेज की एंट्री को पास कर रहे हैं। तो वापस वाउचर पे चलते हैं 5651 और श्री ट्रांसपोर्ट कंपनी को, और यहाँ पर हमने जो फ्रेट के नाम से लेज़र क्रिएट किया था वैल्यू हमारी थी 25,000 रुपये की। और उसके बाद हमें यहाँ पर देखना, तो आपको एल्ट ए बटन जरूर प्रेस करके देख लेना है, जो जैसे ही आप इसको एल्ट ए बटन प्रेस करोगे तो आप देखोगे आपके सामने ये 1250 रुपये का ये जो टैक्स है ये आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाई देगा। अब वैल्यू हमने डाली थी 25,000 रुपये की, तो ये आपको यहाँ कुछ नहीं लगाना है, तो लेकिन जैसे एल्ट ए करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक दिखा देगा भी आपका टैक्स लग चुका है 1250 रुपये का। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये आपके पास जो मैसेज है ये जरूर आना चाहिए अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, इसका मतलब टैक्स है जो रिवर्स चार्ज लग चुका है। और इसको हम करेंगे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब इसका इफेक्ट कहाँ पे आया, अब हम चलते हैं GST R 3B पे। तो इसके लिए हम जाएंगे GST मोर रिपोर्ट्स पर, और उसके बाद हम जाएंगे स्ट्रेचरी रिपोर्ट पर, GST रिपोर्ट पर, GST R 3B पे, और उसके बाद हम पूरा डाटा ओपन कर लेंगे और एल्ट F1 के साथ डिटेल के साथ देखेंगे। तो आप देख रहे हो अभी हमने जो 25,000 रुपये की जो एंट्री करी थी ना वो एंट्री अब इस D कॉलम में आ गई है। अब इस 25,000 रुपये का CGST टैक्स और SGST टैक्स यानी कि टोटल था 1250 रुपये का, जिसके अंदर CGST तो 625 और SGST भी 625 रुपये की है। अब ये अमाउंट आप देख सकते हो भी ये हमारा आउटपुट है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो हमारा सारा का सारा 3.1 का ये आउटपुट का है। अब ये जो आउटपुट है अब हमें इसको इनपुट के अंदर भी लेके आना होगा, तो आप देख रहे हो ये इनपुट के अंदर भी आ चुका है। भी इनपुट में अब कहाँ दिखाई देगा आपको, ये हमारे पास आएगा 4 नंबर जो टेबल है एलिजिबल ITC। अब ये जो ऊपर का आपका पास ITC जो आएगा ये टैक्स कौन सा आएगा भी, इसके अंदर आपके पास रहने वाला है, जैसे कि हम इस थोड़ा सा नीचे चलते हैं भी, ये दे रहेगा ऑल अदर ITC के अंदर भी जो आपका परचेज के ऊपर ITC आपको मिला है वो वाला, और ये आपका रिवर्स चार्ज का RCM का जिसको हम कह सकते हैं। तो टोटल टैक्स मिला के आपको ITC अब मिलने वाला है 7,016 रुपये का और 7,016 रुपये का। और इस दौरान अगर आपका आउटपुट की बात करें तो अब आपके आउटपुट की अमाउंट भी बढ़ चुकी है। पहले हमने जो यहाँ पर नोट किया था एक्सेल शीट के अंदर वो आप देख सकते हो, हमने नोट किया था 13,210 रुपये का और इनपुट था हमारा 6,391 रुपये का। अब आप देखोगे तो आपका आउटपुट भी यहाँ पे देखो बढ़ चुका है, अब 13,825 रुपये का हो चुका है, अब इसमें 625 रुपये ऐड हो चुके हैं। और इनपुट की बात करें तो पहले हमारे पास इनपुट आ रहा था 6,391 रुपये का, अब इसमें 625 रुपये और ऐड हो चुके हैं, तो अब हमें ITC मिलेगा 7,016 रुपये और 30 पैसे का। लेकिन अभी ये हमारा काम यहाँ पर पूरा हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ, एक बार हम बैलेंस शीट पे चलते हैं, तो कम से कम हमारी लाइबिलिटी वहाँ पर बैलेंस शीट में भी तो दिखनी चाहिए। तो बैलेंस शीट में अगर हमें लाइबिलिटी देखने के लिए बैलेंस शीट पे आएंगे, एल्ट F1 को शो करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्स पे जाएंगे, तो आप देख रहे हो अभी हमने जो RCM के लेज़र बनाए थे उसका अभी तक हमने यूज नहीं किया। अब उसका यूज होगा, कहाँ पर होगा, कैसे होगा, डिस्प्ले पर चलते हैं, स्ट्रेचरी रिपोर्ट पर, GST रिपोर्ट पर, GST R 3B पे। अब इसके अंदर जैसे हम यहाँ पर आके एंटर प्रेस करेंगे 625 रुपये के अमाउंट पे, तो अब आपको वही एंट्री यहाँ पे दिखाई देगी जो हमारी परचेज की एंट्री थी। अब हमें यहाँ पर एक एंट्री पास करनी होगी, कौन सी, हम जाएंगे यहाँ पर स्टेट एडजस्टमेंट में, या आप एल्ट जे भी प्रेस कर सकते हो। जैसा हमें इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन होके आएगी। अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, इनक्रीज
टैक्स लायबिलिटी, यानी कि हमें टैक्स की लायबिलिटी को इनक्रीज करना है ताकि वो हमारा बैलेंस शीट के अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस पार्ट के अंदर शो करे। तो इसको हम करेंगे इनक्रीज टैक्स लायबिलिटी को एक बारी। और ये किसके अंडर में काम करेगा, ये काम करेगा परचेज अंडर रिवर्स चार्ज के। रिवर्स चार्ज के कारण हमारा आरसीएम की जो टैक्स की लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है। तो जैसे हम पास करेंगे तो ये एंट्री आपको जनरल वाउचर पे आ जाएगा। और यहाँ आप देखोगे भी इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी और किसके लिए, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज के अंडर में। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, आरसीएम की जो टैक्स की लायबिलिटी है वो इंक्रीज करनी होगी। तो इसके लिए मैं फिर यहाँ पर जो हमारा कॉमन जो लेजर है, जो हम सेल और परचेज के दौरान हम यूज़ करते हैं सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स को, उसको पास करेंगे। अब हमें कितना का पास करना है, 625 रुपये का। और उसके बाद में वापस डेबिट करेंगे एसजीएसटी टैक्स को 625 रुपये से। अब हम क्रेडिट किसको करेंगे, आरसीएम टैक्स को, आरसीएम सीजीएसटी को। कितना परसेंट, 2.5%। वैल्यू कितनी थी, 25,000 रुपये, तो यानी कि 625 रुपये। और उसके बाद में आरसीएम एसजीएसटी 2.5%, 25,000 रुपये, 625 रुपये। एंटर पास करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, अभी भी देखो आप हमारी जो टैक्स की जो इनपुट आउटपुट है वो अभी भी 625 है। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कुछ नहीं बढ़ा, 3B के ऊपर इसका अभी तक इफेक्ट क्या पड़ेगा, 3B के अंदर आपको 625 पे आउटपुट तो दिखाएगा, लेकिन अब यहाँ पर आपका जो इनपुट अभी तक तो दिख रहा था हमारा इनवर्ड सप्लाई टू लेबी टैक्स, वो यहाँ से हट चुका है। अब हमें मेन बात यह है, ये तो टैक्स की अमाउंट है यहाँ पर लेके आनी पड़ेगी, लेकिन अभी इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ा उस एंट्री का, बैलेंस शीट पे हम चलते हैं, LTF1 को ओपन करेंगे, लायबिलिटीज पे चलते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस को देखेंगे। तो आप देख रहे हो ये जो टैक्स की लायबिलिटी है अब ये अब आपकी यहाँ पर आ चुकी है, आरसीएम सीजी टैक्स भी अब 6194 रुपये। अब इसके अंदर तो क्या हुआ भी, हमारा जो एसजीएसटी टैक्स सीजीएसटी टैक्स है वो तो डेबिट हो गया और आरसीएम का टैक्स है जो क्रेडिट हो गया। अब ये टैक्स डिपॉजिट करवाने की लायबिलिटी हमारी बन गई है, लेकिन अभी हमारा काम पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। हुआ कैसे नहीं है, वापस 3B पे आपको जाना पड़ेगा, पूरा डिटेल हम ओपन करेंगे और LTF1 पे चलेंगे। उसके बाद क्योंकि अब काम इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि आउटपुट में तो ऐड हो गया, बट हमें इसका ITC भी तो चाहिए ना। ITC लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 नंबर के ऑप्शन के अंदर यहाँ पर हमें उस 625 की अमाउंट को लेके आना पड़ेगा। अब जैसे इंटरप्रेस करेंगे आप देख रहे हो भी इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज यहाँ पे बिल्कुल 0 आ रहा है, तो आपको वापस क्या करना पड़ेगा, स्टेट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपको और क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर आपको करना पड़ेगा इनक्रीज इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहले हमने क्या किया था, इनक्रीज टैक्स लायबिलिटी को इनक्रीज किया था, अब हमें इनपुट टैक्स को वापस है जो इनक्रीज करना है। तो इनक्रीज इनपुट टैक्स करना पड़ेगा, किसके अंडर में करना पड़ेगा, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज के अंडर में। और अब इस स्थिति के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा भी, जो हमारा टैक्स बनता है उस टैक्स को वापस हम क्या करेंगे, जो हमारा आरसीएम टैक्स है डेबिट, कितना, 2.5%, 25,000 रुपये, और अमाउंट कितनी थी, 625 रुपये की। और उसके बाद में वापस आरसीएम टैक्स एसजीएसटी का 2.5%, 625 रुपये का, और सीजीएसटी टैक्स 625 रुपये, एसजीएसटी टैक्स 625 रुपये। अब यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना है 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का, जो भी आपका पीरियड हो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब ऐसी स्थिति के अंदर आप देखोगे क्या हो गया भी, जो हमारा 625 रुपये की जो अमाउंट थी वो अब आपके ITC के अंदर वापस ऐड हो चुकी है और आपका ITC जो इनक्रीज हो चुका है। तो आप देखो जो हमारा GST था 3B, सेम वही पोजीशन बन गई जो पहले हमारा आउटपुट के अंदर था, और सेम का डाटा हमारा ITC के अंदर भी ऐड हो गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये आउटपुट के पार्ट के अंदर भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये इनपुट के अंदर भी इनवर्ड ITC के अंदर भी दिख रहे हैं, और यहाँ पर आपको इस डी कॉलम के अंदर आउटपुट के अंदर भी ये डाटा शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम, अगर हमने किसी अनरजिस्टर्ड से GTA कंपनी से कोई सर्विस ली है तो इसकी एंट्री हमें इस प्रकार से पास करनी होगी। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर हमारा रजिस्टर्ड GTA है और उसने हमारे को 12% का जो टैक्स है वो लगा के उसने हमारे क्या करना पड़ेगा, उसकी जो एंट्री है वो हम करेंगे परचेज के अंदर। अब परचेज में उसकी एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, वापस हम परचेज पे जाएंगे, और अब स्थिति के अंदर हम क्या, सेम उसी का वाउचर नंबर उस रजिस्टर्ड कंपनी का,
अब रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि रजिस्टर्ड कंपनी आ गया और इसका जो इनवॉइस नंबर है हम एक बार चेंज कर देते हैं, जैसा कि हमने 2251 कर दिया और यहाँ पर भी हम 2251 करेंगे। और अब स्थिति के अंदर ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी का यूज़ करेंगे और हमने जो लेज़र क्रिएट किया था फ्रेट एक्सपेंसेस का, तो अब इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो फ्रेट लेज़र था जिसके ऊपर हमने RCM डिपॉजिट कराया है, लेकिन अब हमें यहाँ पर RCM डिपॉजिट नहीं करवाना है, तो अब यहाँ पर हम एक लेज़र और क्रिएट कर लेंगे, ये फ्रेट एक्सपेंसेस। अब इसके ब्रैकेट में एक बार हम हिंट देते हैं यहाँ पे नोट RCM, यानी कि हमें RCM डिपॉजिट नहीं कराना, लेकिन ये भी हमारा रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो ऐसी स्थिति के अंदर टैक्स तो इसके ऊपर भी लगेगा, इसको भी हम करेंगे यहाँ पर यस। और इसका सेम वही चीज़ HSN कोड वगैरह हमें यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, इसको भी हम नोट एप्लीकेबल कर देंगे। अब जो हमारे पास ऑप्शन आया है टैक्सेबिलिटी, इसके अंदर टैक्सेबल, और इसको अब इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, इसको हम नो रखेंगे क्योंकि अब हमारा RCM यहाँ पर बन नहीं रहे। तो अब RCM आपका टोटल कितना आपको इनपुट मिलना है 12% का। तो ऐसी स्थिति के अंदर वापस इसी को हम सर्विस में रखेंगे और अब यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी हमारी 25,000 रुपये की, और 25,000 रुपये आने के बाद हमारा परचेज बिल्कुल टैक्सेबल है। और यहाँ पर हम CGST टैक्स को क्रिएट करेंगे और SGST टैक्स को भी क्रिएट करेंगे। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारा टोटल जो वैल्यू है, तो यानी कि जो टोटल हमने सर्विस ली है वो 28,000 रुपये के लिए, तो हमें अमाउंट यहाँ पर डालनी पड़ेगी टैक्सेबल की जगह 28,000 रुपये। तो 28,000 रुपये की जगह टोटल हमारी वैल्यू है और 28,000 रुपये के अंदर टैक्सेबल वैल्यू हमारी ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी 25,000 रुपये बन जाएगी और 1500 रुपये आपका CGST टैक्स और SGST टैक्स मिल जाएगा। और इस तरीके से आपका टोटल 28,000 रुपये का आपको जो इनपुट है वो मिल जाएगा। अगर हम GST 2 को डाटा अगर हम देखेंगे यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर, डिस्प्ले पर जाएंगे, GST पे जाएंगे, GST 2 को अगर हम ओपन कर दें, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर B2B के डाटा के अंदर और इस ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी का रिकॉर्ड भी आपको यहाँ पर बिल्कुल शो करेगा। और ये आपका जो आपको इनपुट मिलना चाहिए 25,000 रुपये 3,000 रुपये का, यानी कि 2500 रुपये का, वो भी आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। और हम GST 3B की बात करें तो 3B के अंदर भी हमारा ये जो इनपुट टैक्स है वो बिल्कुल इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी वो सारा मेरा इंक्रीज होगा, और वो इंक्रीज की अमाउंट आपको यहाँ पर कहाँ पर शो करेगी, ऑल अदर ITC के अंदर, इस अमाउंट के अंदर। जैसे हम इस पर इंटरप्रेस करेंगे तो वो डाटा हमारे पास आ जाएगा, और इस अमाउंट के अंदर आपको जो हमारी जो परचेज सेल थी वो तो था ही था, उसके अलावा ये 25,000 रुपये की अमाउंट आपका यहाँ पर भी शो करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें।